और वट द इज वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड वेलकम बैक टू येट एन द मैच डे ब्रेकडाउन इस मैच डे ब्रेकडाउन में हम बात करने वाले हैं कल के हुए मैचेस के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रियाल मडरिड के बारे में बात करने से बिकॉज बाई मडरिड ने कल इस पेनॉल को धोया लिटरेली धोया अब इस पेनॉलॉल की जहां तक बात है देआर नॉट वन ऑफ दी फियरसेस साइड इन दी लाली का हम लोग को पता है भाई इस बार फिर से प्रोमोशन लेके आए वो तो विनो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट देन जब क्वालिटी सामने टीम की अच्छी नहीं होती तो आपको पता है कि जो अपोजिशन उनके अगेंस्ट खेल रहा है दे हैव टू शो द प्रोमेंस देव टू शो की भाई वो क्यों बेहतर है उनसे एंड ये रियाल मडरिड पूरे मैच में करके दिखा रही थी

द टीम्स में आती है एंड मड्रिड ने अपनी वो क्वालिटी दिखाई आप देख सकते हो मोर देन फोर एक्स जी आज के मैच में इवन दो स्कोर थ्री गोल्स एक गोल उन्होंने पेनल्टी से भी मारा जो कि अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल पेनल्टी थी उसके बारे में बात करेंगे बट थर्टी वन शॉट्स फोर्टीन ऑन टारगेट एट बिग चांसेस क्रिएटेड जिनमें से उन्होंने चार बिग चांसेस मिस की टेल्स यू अबाउट द सुपरियोरिटी ऑफ द टीम एंड क्यों आज मड्रिड ऐसा खेली वाई डिड रियाल मड्रिड कनेक्ट एंड कंबाइन एंड प्ले दैट वेल क्यों वो फ्लूटी हमको उस मैच में दिखी जो यूजली हमें उन मैच में नहीं दिखती थी जो उन्होंने पिछले मैचेस खेल रखे सबसे पहली बात एक बात मैं बता के बोल दू पाई स्पिनॉल एक बहुत टफ टीम नहीं है ठीक है और भाई दूसरा एडवांटेज कि बर्नबाउ पर मैच था बट दैट शुड टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिसल परफॉर्मेंस क्यों बिकॉज इस टीम में था आज बैलेंस अटैकिंग प्रोवेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बैलेंस मेरे भाई लोग वि शूड अंडरस्टैंड ये फीफा नहीं है ये फीफा नहीं है आप, 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 आप पे अल्फॉन्सो देवीज फेंक दीजिए फ्रिमपॉम फेंक दीजिए विनीशियस अंबापे जूड बलिंगम रॉड्रिगो सब फेंक दीजिए ने होप करिए एक मिड फील्डर से पूरा गेम रनू इट डज एन गो लाइक दिस इन रियल लाइफ रियल लाइफ में आपको चाहिए बैलेंस एंड कार्न चलोटी भी ही सिक्स बैलेंस एंड दबी कार्लॉल चलोटी अक्सर यू नो अपने माइंड को स्क्रैच करते हैं कि बेटी यार राइट right कॉम्बिनेशन क्या है टीम का एंड वीनो कि भाई मॉडरेज बाई एज हो रही है बंदे की ठीक है ही कांट गो ऑन एंड ही कैन प्ले टू नाइनटी मिनिट्स मैच बैक टू बैक प्रोबली दो खेल लेगा थर्ड में मुझे नहीं लगता वो खेल पाएगा उसके पास वो लेग्स वैसे नहीं है जैसे वो पहले हुआ करते थे अब यहां पे बात आती है कि अगेंस्ट इस पर नॉन यू कैन एटलीस्ट फील दिस जहां पे आप मॉडरेज को पूरा फुल 90 मिनट दे सकते हो वालवर्दे अगेन फुल 90 मिनट खेलते हैं जूट बलिंगम कम्स ऑफ जस्ट फ्रॉम इंजरी एंड उन्होंने पिछला मैच स्टार्ट किया था पिछले मैच में भी अर्ली ऑन सब हो गए थे आज के मैच में भी ही स्टार्टेड एंड अर्ली ऑन तो नहीं आई थिंक आते मिनट पर भी सब हो गए थे तो वट वॉज डिफरेंट आज की टीम में सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वॉज कि भाई रॉड्रिको लेफ्ट एंड साइड खेलेगा गूलर बिटवीन द लाइन आ जाएगा राइट एंड साइड से ड्रिफ्ट करके इन आएगा क्योंकि जब बिल्डअप होता है जूड बलिंगम ड्रॉप करेंगे मॉडरेज और फेडी वालवर्दे हेल्प करेंगे आपको प्ले के प्रोपगेशन में और क्योंकि इस पेनॉल इतना हाई प्रेस

द लाइन ड्रॉप कर रहा था वॉज गेटिंग द पोजिश एंड भाई ही वॉज ऑन इट आफ्टर बर्नर्स उसके बाद इट वॉज अबाउट द बॉल स्प्रेडिंग बाई राइट हैंड साइड गोलर आपके पास अवेलेबल है जूट बलिंगम की वो रन आ रही है रॉड्रिगो लेफ्ट एंड साइड पर द थिंक इसकी मॉडिड का गेम ना बहुत लेस किऑटिक था सबसे पहले वाइट बिकॉज उनके पास मॉडरेच है डीप से प्ले को प्रोपागेट करने के लिए दूसरी चीज उनके पास जूड बलिंगम है अप टॉप प्ले को कंबाइन करने के लिए सो so, मॉडरेच प्ले बिल्ड करेंगे जूड ऊपर प्ले कंबाइन करेंगे अक्सर आज के मैच में आपने देखा वो लैटर पासिस हो रहे थे वाइट लेफ्ट हैंड साइड से तो लेफ्टाइड से रॉड्रिगो कट बैक टू जूड रनिंग एन एंड वो उसका होल्ड अप टर्न करना फाइंड करना रनर्स का फीड करना गूलर रॉड्रिको कभी कभार ड्रिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड जहां पे रॉड्रिको अपनी वो ट्रिपल करेगा जो यूजुअली हम रॉड्रिको को करते देखते हैं किलेन है यहां पे टेक्निकल है पता है आपको कि भाई ज्यादा टाइम वो बंदा बॉल पर स्पेंड नहीं करना चाहता ही वॉन्ट्स टू बी कि भाई उस बंदे को ना बॉल आप फीड करें ऑफ द बॉल वो खेलेगा रनसर निकालेगा चैनल्स में किलेन अंबापे इज थ्रेटनिंग बहुत ज्यादा एंड इसी चैनल को आज फीड किया जूट बेलिंगम ने सो so, अब वो जो एक प्लेयर उनको मिल गया ना जो होल्ड करेगा पोजिशन एंड जो इन प्लेयर्स को वो बॉल फीड करेगा तो वो आपके पास ऑलरेडी दो प्लेयर्स थे गोलर भी वही चीज कर रहा था एंड जूट बेलिंगम भी कर रहा था इवन डूइंग दैट आर इक्वली थ्रेटनिंग थ्रेटिंग बींग ऑन द बॉल तो जूट बेलिंगम खुद भी एक थ्रेट प्रोड्यूस करता है गोल जो आया कार्रवाहाल वाला वो जूट बेलिंगम के रन से आया लेफ्ट एंड साइड से जो उसने बॉल डाली थी एंड गार्सिया जो गोलकीपर है यहाँ पे इस पन्नॉल को उन्होंने फंबल किया पीछे से कारवहाल ने फिनिश की बट आई थिंक जो बेस्ट गोल आज के मैच में था वो आया जब वीनी ऑन द बॉल आया yeah <laughs> अब जब विनी आते पिच पे और आपने देखा विनी तुरंत पिच पे आ गए थे जैसे ही इस ने गोल मारा तो कारन चराटी वॉज लाइक नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पनॉल के अगेंस्ट तो हम हारेंगे नहीं तो भाई उन्होंने तुरंत विनी को पिच पे डाला अगेंस्ट आदा गोलर एंड देन उसके बाद आपने देखा भाई विनी आउट साइड लेफ्ट एंड साइड से वो ट्रेवला पास डालते हैं एंड रॉड्रिगो की पोजिशनिंग भाई रॉड्रिगो इतना एलिगेंट प्लेयर है ना भाई बंदे को तुम लेफ्ट पे खिलाओ राइट विंग खिलाओ इवन सेंट्रल खिलाओ बिटवीन द स्ेसिस लाइन्स की उसमें खिलाओ भाई ये बंदा बहुत बहुत मानजे के ना आज डिजर्विंगली मैन ऑफ द मैच बंदे ने जीता है तो ये जो गोल था जहां पे विनी ने लेफ्ट एंड साइड से ट्रेवला पास डाला रॉड्रिगो अराइवल था उसने फर्स्ट टाइम पे फिनिश किया अमेजिंग था एंड और दो गोल थे मडरिड ने जहां पे बेलिंगम ने चान्स में अखिले एम्बाबे को बॉल डाली ही शुड हैव डन बेटर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बट एक मुझे फ्लूडिटी एक कॉन्फिडेंस दिखा टीम में कि भाई हाँ वो कंबाइन कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ अच्छे से मूवमेंट्स हो रहे हैं अप टॉप तो एक काफी अच्छा बैलेंस दिखा कारवाहाल कार्रॉज भाई कारवाहाल फ्रीडम के साथ आज खेल रहा था बिकॉज सामने टीम कमिट नहीं कर रही थी ना एंड वर डिफेंसिवली वेरी पुअर तो मडरिड ने पूरा एडवांटेज उठाया सेकंड हाफ में जाते हैं चार गोल स्कोर करते हैं एंड्रिक आते हैं पिच पे एंड्रिक लाइक आई टोल्ड यू अबाउट एंड्रिक कि भाई ये बंदा ना ही इज हैविंग फन वो मजे कर रहा है अभी उसको क्या ना उसको पता है कि भाई कुछ मिनट्स मिलेंगे उसको उसी में उसको भाई अपना कमाल करना है लेवल इन विच ही इज कंबाइनिंग विद द प्लेयर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा विकेंट करने की कोशिश नहीं करता है लास्ट मैच में ही टू का शॉर्ट स्टुड गार्ड वाले मैच में जो कि गोल हो गया बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वट डू दो थिंग्स अब कई लोग हैं जो कहें कि भाई उस जगह से ना एंड्रिक को शायद शॉट नहीं लेना चाहिए बिकॉज हां उस मैच में वो गोल हो गया बट एट एवरी टाइम वो नहीं होगा अगेंस्ट बेटर डिफेंस अगेंस्ट बेटर कीपर्स शायद वो नहीं गोल होगा ही नीड्स टू फाइंड द राइट पासिस ये चीज आप देखोगे ना एंड्रिक को जब वो पिच पे आता है वो करता है ही हैज इज हेड अप वो देखता है पासिस कहां निकालने एंड बाई उसने पेनल्टी विन की ना मेरे ओपिनियन में वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए अगर आप कॉन्टैक्ट देखोगे तो बहुत पहले कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो चुका था और एंड भी वो ना उस लाइन के बाहर ही एंड हुआ बट आई डोंट नो वॉट द कीपर सॉ मे बी प्रोबेली मैंने कुछ गलत देखा बट मेरे ओपिनियन में शायद वो पेनल्टी नहीं देनी चाहिए थी बट दैट डिट इम्पैक्ट द गेम अलॉट थ्री वन ऑलरेडी जीत रहे थे फोर वन हो गया बट मेरे ओपिनियन में गई सॉरी टू से आई डोंट थिंक दैट वॉज अ पेनल्टी बिकॉज जो सारे एक्शन हुए ना उस पेनल्टी से पहले तक जो होल्ड किया एंड्रिक

चीज को फेस करती तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ लालीगा ऑल टूगेदर एंड आई डोंट नो कि भाई इसमें किड का कितना बड़ा हाथ है आई आई एम नॉट गोना से दैट बिकॉज डोंट बिलीव इट टू बी वेरी ऑनेस्ट बट शुड एट ओवर शेडो द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गाइस इट शुडंट ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ रोड्रिगो दे डिड नीड पेनल्टी टू विन टुडे अगर वो नहीं भी मिली होती तो दे वर विनिंग वो फेयर एंड स्क्वायर एंड एंड कुड हैव शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स रोड्रिगो किले बापे को आज फ्री ओपन प्ले से गोल मारना चाहिए था तो भाई यहां पे अगेन आई थिंक पीपल शुड टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ गूलर बेहतरीन था बंदा बिटवीन द लाइंस कुड हैव स्कोर्ड हिज गोल और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले किले नम्बा के साथ हमें देखा तो इट टेल्स यू कि भाई टीम डे टू डे ग्रो कर रही है कॉम्बिनेशन पैटर्न्स टीम में बन रहे हैं बट हां कहां तक ये टीम जा सकती है बिकॉज एवरी गेम यू कॉन स्टार्ट मॉडरिच सो वॉट्स अनदर ऑप्शन यहां पर कब वापस आएंगे बैलेंस टीम पर कैसे मेंटेन रहेगा जूट बलिंगम की इंपॉर्टेंस है यहां पर बट देन इंजरी कंसर्न मैच हर तीन दिन पे हो रहे हैं प्रॉब्लम डेफिनेटली होंगी बट अभी नो वरीज रिगार्डिंग रियल मोटेड बिकॉज दे देव वन दिस गेम फोर वन एक अच्छा अच्छी बड़ी विन है उनके लिए मैसे विन है अगेंस्ट एक स्पेनॉल uh, की एक इनफ साइड तो भाई लोग हाउ डिड यू लाइक द गेम मुझे जरूर से बताना ठीक है ना इसके अलावा भाई आई एस एल मैच हुए हैं भाई लोग मैं बता दू इस बार आई एस एल बहुत ही बहुत ही नेक्स्ट

टू बी रियली ऑनस्ट मैं यहाँ पे गेम का प्रैक्टिकल ब्रेक डाउन नहीं करूँगा जस्ट गोना टॉक अबाउट द गुड परफॉर्मेंस आई थिंक सानन एक एक्साइटिंग प्लेयर है भाई जमशेदपुर के लिए काफी यंग काफी काफी ज्यादा ब्लिस्टरिंग विंगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है जावी हर्न बीइंग अ मिडफील्डर स्कोरिंग टू गोल्स बहुत ही बहुत ही फिनोमिनल बात है जावे सेवेरियो अच्छी अच्छी प्रोफाइल है फॉर अ स्ट्राइकर होल्डर प्लेयर है जो अच्छा अप uh, टॉप से कनेक्शन कॉम्बिनेशन प्ले बना सकता है एंड बाई मुरे ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन आई एस एल हमको पता है भाई ये बंदा जब ऑन द सॉन्ग होता है ना बाबा इसको डिफेंड करना मुश्किल होता है तो यहाँ पे अगेन एक नॉट अ गुड गेम फ्रॉम मुंबई बट डिड स्कोर टू गोल पड़ेगा उनको गुड स्टार्ट टू दी आई एस एल इस बार उनके लिए बट जमशेदपुर है इट शुड भी टॉक्ट अबाउट की विन थी जमशेदपुर के लिए एंड मोहम्मेडन ने खेला गोवा केक्वलाइजर फ्रॉम साधिकू भाई ये मोहामिडन भाई दे मजा आ रहा है भाई मोहाबड़न को देख के यू नो फर्स्ट टाइम दे आर प्लेइंग इन द आई और एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए है ऑल दो भाई आई लीग को उन्होंने जीता है बट स्टिल स्लो स्टार्ट वो करेंगे इस तरीके के मैचेस आप देखोगे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रहा एंड में कि भाई सादिको ने गोल मार दिया बट गोवा के लिए क्वेश्चन है मनोलो मार्केस इज दिस जॉब बींग टू मच फॉर हिम हमने देखा दोनों मैचेस में दे डिंट प्ले दैट वेल और अगेन ये एक ऐसी मैच जहां पे भाई आप देखो दे नीडेड अ लास्ट मिनट इक्लाइजर फ्रॉम सादिको तो भाई थोड़े से कॉम्प्लीकेशन है ऑब्वियसली फॉर मनोलो मार्केस फॉर गोवा बट इट्स अ गुड ड्रॉ अच्छा पॉइंट है

डिफेंसिव साइड ऑफ टीम, बट आगे देखते हैं क्या होता इस, 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 है छह गोल और मारे थे पांच गोल मारे थे आज भी वर्ल्ड ऑफ ब्रिमेन को पांच गोल मारा उन्होंने मुसियाला का गोल केन का गोल ग्री का शॉक हो जाओगे पूरे 90 मिनट में वड के जीरो शॉट्स थे और बायन का एक्सिट तीन था और आप देखो 25 शॉट सेवन ऑन टारगेट एंड थ्री बिग चांसेस क्रिएटेड उसके बाद भी देर एबल टू तो स्कोर फाइव गोल्स ये जो बैलेंस है ना टीम का आज लेमर राइट बैक स्टार्ट किए थे ऊपर मेकानों जे डेविस पावलच बहुत फिनोमिनल प्लेयर है मेरे भाई पावलिज इतना प्यारी सेंस ऑफ सेंस सेंस ऑफ कामनेस लाता है ना इस टीम में अलॉन्ग विथ हॉशवा किमिक मुसियाला बिटवीन द लाइंस है. कोमन गनाबरी ऑफ द बेंच हैरी केन अ गोल एंड टू असिस्ट अगेन मतलब लिटरली खा गए. एंड मैं कह रहा हूँ भाई बायन पर ध्यान रखो सब लोग कह रहे थे वेन्न बायन की पंद्रहवीं चॉइस थी एज अ मैनेजर सो बी एड बट वेनी ऑज गॉट द अपॉर्चुनिटी वेनी ऑज गॉट हिज प्लेयर्स बाई कंपनी इज कुकिंग वर्ल्ड ब्रमेन के होम पे इट्स वेरी अनकॉमन की भाई सामने टीम जीरो शॉट्स ले इन ऑल टोटालिटी सो दट इज समथिंग रियली सप्राइजिंग अबाउट बाइन टेल्स अब स्ट्रेंथ ऑफ द टीम द बैलेंस ऑफ द टीम उल रीक खेल रहे गोल में नोअर नहीं अवेलेबल है इंजरी है उनको बट भाई यहां पर आप देखोगे ना इट इज बाई थ्रेटिंग है टेरिफाइंग लेवल तक की थ्रेट है यहां पर वनस अंपनी इस बान की टीम है बट एन गुड विन फाइन मिल की विन थी यहां पर उनके लिए क्रिस्टर पैलेस यूनाइट गेम हुआ फ्रस्टेटिंग गेम आउट से फ्रस्टेटिंग गेम स्टाटिस्टिक्स देखोगे को आप देखोगे ऑलमोस्ट क्लोज टू टू एक्जी बना

not a good game for them but बात होगी यहां पे उनना के मैसिव सेव्स की उनाना ने बैक टू बैक भाई बहुत बेहतरीन सेव्स किए टू कीप देम आउट ऑफ दिस गेम डीन एंडरसन आज अगेन एक टॉप मैच खेले मतलब एक अच्छी डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी क्रिस्टल पैलेस की दे वुड हैव टू हैव अ पॉइंट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जहां पे उन्होंने ऐसा खेला इट वॉज अ ब्राइट गेम फ्रॉम देम बस शार्पनेस लाग कर रही थी फाइनल थर्ड में वो क्वालिटी प्लेयर्स की लाग कर रही थी बेन से दि डेटे कॉल मार्कस उगाटे उगा भी आ जाते हैं अपने भाई काफी लंबे टाइम बाद आउट थे आई एम इंटरेस्टेड टू सी द पेयरिंग ऑफ जर्गजी एंड होलैंड मैं तो चाहूंगा भाई अगले मैच में ना जर्गजी लेफ्ट विंग खेले और होलैंड एज अ स्ट्राइकर खेले भाई राशफर्ट

में ऑब्वियसली रोटेशन होता है पोजीशन का बिटवीन ब्रेन एंड जॉनसन एंड कुल्स की वाइड जाना बिटवीन द लाइंस हाफ स्पेस में खेलना पसंद है पोरो टॉप गेम उडोगी टॉप गेम एंड बाय डिफेंस में वैंड और भाई हमेशा गाइस फिन नॉमनल डिफेंडर्स अगेन और दे हैव विकारियों का बैलेंस तो भाई वो अदा होम पे भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिवीट देम और कहीं कही ना कहीं यहाँ पे दे देवर शॉर्ट ऑफ क्वालिटी अप टॉप तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक अच्छी वेन है स्पर्स के लिए भाई यूजली स्पर्स ऐसे होता नहीं है भाई कि कम बैक करे जीते बड़े मैचेस को बट ठीक है गुड फॉर दैम एन यहाँ पे यू एन नापोली का गेम हुआ था कार्ड ऑफ अ के जी गेम खूब uh, मीने स्टार्ट किए थे मैकेी एंड लोकेटेली खेले थे नो डगलस लुइज यहाँ पे वाहौोच निको गन्जालेज अगेन स्टार्ट किए थे आप देख सकते हो ब्रीम को भाई यहाँ पे काफी अच्छी रेटिंग मिली है दट टेल्स यू को एक अच्छा डिफेंसिव गेम खेला

पे एक बार अगर आप टेबल भी देख लो तो यू विल सी टोरिनो टॉप ऑफ द टेबल भाई दिस इज समथिंग वेरी बिविल्डरिंग टोरिनो पांच मैचेस में तीन विंस के साथ ग्यारह पॉइंट पे है सेकंड ऑन द टेबल है भाई सीरिया आ भाई सीरिया बहुत इंटरेस्टिंग होती है एंड उदने से सेकेंड पे चार मैचेस में जीरो लॉसेस के साथ नापोली थर्ड पे पेटिस फोर्थ पे इंटर सिक्स पे मेरे भाई इंटर अगला मैच अगर इंटर जीतेगी डेफिनेटली दे विल गो टॉप या तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ भाई एंड दूसरे साइड पीएच जी ने कल का मैच ड्रॉ किया रीम्स के अगेंस्ट इट टुक डेम्बूज इक्वलाइजर और कल के मैच में आई थिंक काफी रोटेशन था बिकॉज दे केम ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट जीरो ना जहां पे काफी हार्डवर्क उनको करना पड़ा फॉर दैट वन निल विन जारे एमरी राइट बैक पे मार्किनियोस पाचो एंड और, बर, बराल्डो, और अ, स अगेन एक असिस्ट मिला बंदे को और डेम्बले ऑफ द बेंच आते हैं तो फाबियन रुईस दूनो मिंदेस काफी लोगों को मौका मिला खेलने का बट नॉट अ वेरी गुड गेम फ्रॉम पीएच जी दे वो वेस्टफुल एज वेल इन द चांसेस ओवर वन पॉइंट फाइव एक्स जी फोर बिग चांसेस क्रिएटेड थ्री बिग चांसेस मिस तो आप देख सकते हो कि दे वर ऑल्सो वेस्टफुल बट पोजिशन स्टार्टअप को बताएगा भाई दे डोमिनेटेड इन टायर गेम दैस वाई इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग गेम फ्रॉम पी एच जी ऑल दो ड्रॉ है बट स्टिल नथिंग टू बी वरीड अबाउट बिकॉज सीजन अभी भी स्टिल यंग है पीएस जी स्टिल रिमेन टॉप ऑफ द टेबल एक ही मैच उन्होंने ड्रॉ किया है एंड

बारसा का मैच वहीं से स्ट्रीम करेंगे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे को हम जाने वाले स्पेन सो स्टे अलॉन्ग करिएगा बहुत मजेदार कंटेंट आने वाला है बढ़िया मैचेस हम मैचे देखने वाले हैं अगले मडरेड के मैच मडरेड बारसा होपफुली ये सारे मैचेस हम लोग को देखने को मिले सो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस एंड मैं मिलता टेक केयर एंड पीस आउट